हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसी के साथ उन 10 शोज के नाम भी सामने आ गए हैं जिन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो और एक एक करके बताते हैं आपको इस हफ्ते के टॉप 10 शोज के बारे में। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो इस नंबर पर सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। जी हां, इस हफ्ते ये शो 10वें नंबर पर है 2.2 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। नंबर 9 पर है स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ही। तो वही नंबर 8 पर है स्टार प्लस का ही एक और पॉपुलर शो जो कि है साथ निभाना साथिया 2। इस शो ने हासिल किए हैं 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं 7वें पायदान पर इस बार है सोनी टीवी का डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 जो इस वक्त खूब लाइमलाइट में बना हुआ है। शो ने हासिल किए हैं 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, ये शो अपनी जज शिल्पा शेट्टी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है कि आखिर अब शो में उनकी जगह कौन लेगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये भी है कि शिल्पा की कमी से शो की टीआरपी पर क्या असर होगा या फिर नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको नंबर 6 के पायदान पर आए शो के बारे में। तो इस नंबर पर है जी टीवी का शो कुंडली भाग्य 2.4 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। तो वहीं पिछले कुछ हफ्तों से स्टार प्लस का शो ये है चाहते काफी कमाल कर रहा है। शो ऑनलाइन टीआरपी के साथ साथ अब बाकी लिस्ट में भी जगह बना रहा है और इस हफ्ते शो ने नंबर 5 के पायदान पर जगह बनाते हुए 2.6 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। चौथे पायदान पर है सोनी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2.7 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। तो वहीं स्टार प्लस का शो इमली है इस हफ्ते तीसरे पायदान पर। जी हां, इस हफ्ते भी सुम्बुल तौकीर और गश्मीर महाजनी शो ने कमाल कर दिखाया है और तीसरा पायदान अपने नाम करते हुए 2.9 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे नंबर के शो की बात करते हैं तो इस नंबर पर है नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में। इस शो ने इस हफ्ते हासिल किए 3.3 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं हमेशा की तरह इस बार भी अनुपमा ने ही सभी को पीछे छोड़ दिया और हासिल किया नंबर 1 का पायदान। शो ने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करते हुए 3.9 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। वेल, तो ये है इस हफ्ते के बाकी टॉप 10 शोज। अगले हफ्ते इस लिस्ट में कौन कौन से शोज जगह बनाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।